जो सुबह के सत्संग में नहीं आ पाए थे अभी आए हैं वे हाथ ऊपर करो। ओ बाप रे, इतने सारे सुबह गैरहाजर थे जो सुबह आए थे और अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। कैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं? सुबह आए थे अभी नहीं आए हैं वे हाथ ऊपर करें। क्यों हाथ ऊपर किया? अभी नहीं आए हो, नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करते हैं? तो ये अभी हंसी आ गई। अरे हाथ ऊपर हो गया, हंसी आ रही। हंसी ज्ञान से आई है कि ना समझी से आई? ज्ञान से हंसी आई कि जो सुबह आए थे अभी नहीं आए वे हाथ ऊपर करें। तो हाथ ऊपर कर दिया, फिर पता चला कि देते रहे। तो ये ज्ञान चैतन्य में होता है कि जड़ में होता है? चैतन्य में होता है। ज्ञान के बिना सुख होता है क्या? नहीं होता। ज्ञान के बिना दुख जाना जाता है क्या? नहीं जाना जाता है। ज्ञान से ही दुख को जानते हैं, ज्ञान से सुख को जानते हैं, ज्ञान से ही सुख होता है। विपरीत ज्ञान से दुख होता है। आप जो नहीं चाहते हैं ऐसा होता है तो दुख होता है, आप जो चाहते हैं वो चला जाता है तो दुख होता है। ठीक बात है? तो जो अनुकूल है ऐसा होता है तो सुख होता है, अनुकूल चला जाता है तो दुख होता है। जो प्रतिकूल है वो आता है तो दुख होता है, प्रतिकूल चला जाता है तो सुख होता है। तो सुख होता है दुख होता है वो ज्ञान की सत्ता से होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो सुख दुख आ आ के चले जाते हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, अपने मैं में सुखी और दुखी पना डाल के जीव कमजोर हो जाता है। हकीकत में सुख के दुख की वृत्ति पैदा होती है। वृत्ति सुख दुख का निमित्त बाहर होता है, वृत्ति भीतर पैदा होती है। हम बेवकूफ़ी से उसमें जुड़ जाते हैं तो सुख और दुख हमको नचा नचा के खोखला कर देता है। अगर हम सुख और दुख की वृत्ति से जुड़े नहीं, सुख और दुख की जो संबित है उससे जुड़े नहीं, तो हम सुख दुख के साक्षी आत्मा से जुड़ जाएंगे। जब आत्मा से जुड़ जाएंगे तो सुख आनंद में बदल जाएगा और दुख दुख हरी हरी की मधुरता में बदल जाएगा। बड़ा भारी लाभ होगा। ये लाभ रुपए पैसों से डिग्रियों से नहीं होता, जो सत्संग की कला से होता है। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के चरणों में जाते, सेवा करते और सत्संग लाभ करते। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में सीता जी को ले जाते और सत्संग सुनते। 14 साल का वनवास हुआ उसमें भी श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुष्या आश्रम और ऋषि मुनियों के आश्रम में लखन भैया को और सीता मैया को ले जाते और स्वयं भी सत्संग सुनते। भगवान शंकर पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते, सत्संग सुनते स्वयं भी। किसी भी परिस्थिति में हम फंसे नहीं, न दुख में फंसे, न सुख में फंसे, न बचपन में फंसे, न जवानी में फंसे, न बुढ़ापा में फंसे, न मौत में फंसे। हम सचमुच में मुक्त आत्मा रहे। बचपन में क्या क्या हुआ और उस लिए बड़ा बड़ा दुख होता था, बड़ा बड़ा भय होता था, लेकिन सब सपना हो गया। तो अति तुच्छ परिस्थितियों को महत्व देते न वे तुच्छ हो जाते। तुच्छ परिस्थिति को महत्व नहीं दो। ये परिस्थितियाँ आई है, आई है तो जाने के लिए आई। भयंकर से भयंकर परिस्थिति आए उस समय जितना दुख देती है, एक दिन के बाद वैसा दुख नहीं देगी। पति मर गया, गिर गई, आए रे मेरा क्या होगा, बेटी की मंगनी हुई है, शादी कौन कराए। इतना दुखी हुई, पति का तो शरीर मरा, ये माई का तो मन मर गया। लेकिन वही माई 2-4 महीने के बाद, 5 महीने 6 महीने के बाद बेटी बेटों की शादी कराती और खुश दिल नजर आती।
तो दुख को इतना महत्व न दो कि दुख तुम्हारी मति गति मार दे। सुख आए तो संयम से उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। उपयोग है कि आप उदार बनो। सुख आया तो आप थोड़ा सुख स्वरूप ईश्वर में शांत हो, दूसरों के दुख मिटाने में लगो, तो आपका सुख आनंद में बदल जाएगा, गहरा सुख हो जाएगा। अगर दुख आया है तो उसको भोगो नहीं, दुख आया है उसे डरो नहीं, दुख आया तो उसका उपयोग करो। दुख क्यों आया? बीमारी का दुख आया बदपरहेजी के कारण, ज़्यादा खाने के कारण। बीमारी का दुख आया संसारी भोग, पति पत्नी का विकारी भोग, ज़्यादा भोगा इसलिए दुर्बलता आई। बेटा बेटी विकलांग पैदा हुआ तो अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी तो उस समय होते कि अमावस्या को, पूनम को और पर्व के दिनों को पति पत्नी का व्यवहार होता है तो गर्भाधान हो जाता है, तो वो बच्चे विकलांग होते हैं। सत्संग नहीं सुना इसलिए विकलांग बच्चों का बोझा ढोके परेशान हो रहे हैं। अब परेशान नहीं होना है। जब हम दुखद कर्म करते उसी समय दुखी हो जाए, यहाँ ये कर्म दुख देंगे। जब दुख आए तो दुखी नहीं हो, दुख के निमित्त जब शुरुआत करते हो तब सावधान हो जाओ। तो दुख के भोगी मत बनो, दुख आए तो विवेक जगाओ, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। दुख आए तो चला जाएगा, धीरज रखें। दुख आए तो ये मन का आग्रह है कि ऐसा हो ऐसा न हो, इसलिए दुख होता है। भगवान शुद्धि के लिए जो करते वाह वाह, ऐसी स्वीकृति दोगे तो फिर दुख तुम्हारे को दबोचेगा नहीं। दुख आए तो दुख हरी हरी की शांति में, ज्ञान में और विवेक वैराग्य में जग जाओ तो दुख सदा के लिए भाग जाएंगे। वे लोग दुखी रहा करते हैं जो दुख के भोगी हैं, जो दुख का उपयोग करते हैं उनका दुख सदा के लिए मिट जाता है, और जो सुख का भोग करते हैं वे भी दुखी होते हैं। लेकिन जो सुख का उपयोग करते संयम से रहते हैं तो उनका सुख आनंद में बदल जाता है। तो आनंद आत्मा का स्वभाव है। जिस सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। ऐसी अकल पैदा हुई कि सुख भी स्वप्ना दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला चैतन्य प्रभु मेरा अपना। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। ऐसे करते करते आत्मा के ध्यान में मग्न रहने लगे, एकांत में रहने लगे। अब एकांत में ऐसे रहे कि किसी चीज वस्तु को पाकर सुख नहीं, अंदर का ही आनंद प्रकट हुआ। राजा तेज बहादुर चांदनी रात में लुत्फ उठाने के मूड में था, जंगल में घूमते एक ऐसी झोंपड़ी को देखा, झांका तो एक व्यक्ति बैठा और टाट बिछा है। देखा कि तो बेचारा बहुत दुखी है, टाट पर बैठा है। ए भाई, ए झोंपड़ी वाले, जरा बाहर आना, लो ये मेरी अंगूठी ले लो, ये मेरा बाजू बंद ले लो, तुम अपनी गरीबी मिटाओ, सुखी रहा करो। उस आदमी ने कहा, इन चीज़ों से सुख होता है क्या? नहीं चाहिए, इतने दिन कहाँ गए थे? बोले, मैं राजा तेज बहादुर हूँ, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसा कोई दुखी कंगाल नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरे जंगल में भी ऐसे दुखी प्राणी रहते हैं। बोले, दुखी भूखे हम नहीं हैं, जाओ किसी गरीब को दे देना। बोले, किसी गरीब को? झोंपड़ी ऐसी है कि चांदनी सीधी आ रही है और बिछात ऐसी है कि फटाटाट है, तुमसे ज़्यादा दुखी कौन मिलेगा? अरे, बोले, मेरे को दुखी मानते हो? मैं सोना बनाना जानता हूँ और सोने से भी ना मिले ऐसा मैं खजाना जानता हूँ। महाराज घोड़े से उतरा, सोना बनाना जानते हैं आप, संत आदमी लगते हैं। बोले, तो मुझे सिखा दो। तो बोले, बोल, मैं गरीब हूँ, मुझे सोना बनाना सिखाओ। राजा ने सोचा ऐसा बोलने से सोना बनाना सीख जाए। बोले, महाराज मैं गरीब, आप अमीर, मुझे सोना बनाना सिखाओ। बोले, सुबह सुबह आया करो अकेले में, 4 से 6-7 के बीच वो प्रयोग कराएंगे तुमको। राजा आने लगा, महाराज ने प्राणायाम सिखाए, फिर आँख की पलके न गिरे ऐसा
देखो, एक मिनट से अधिक देखोगे तो मन एकाग्र होगा। होठ बंद करो, ऊपर और नीचे जीभ ना जाए, बीच में जीभ ठहरे और मैं शांत आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा प्रयोग सीखो, फिर सोना बनाना सिखाऊंगा। कभी ऐसा करो, पैर के अंगूठों को पकड़ो और टिकटिकी लगा के देखो, मन शांत हो जाएगा। कभी मेरे साथ मिलके ऐसा करो, तुम लोग करो, लंबा सांस लो, ओ प्रीति देवा माधुर्य देवा ओ आत्मदेवा माधुर्य सुख दुख सपना उसको जानने वाला मेरा परमात्मा अपना है। शरीर मरने के बाद भी जिसके साथ संबंध जुड़ा रहता है वो आत्मा मेरा है, वो आत्मा परमात्मा से मिला है। शरीर तो मौत की तरफ जा रहा है लेकिन मैं अमरता की तरफ आऊंगा। राजन अभी तो ऐसा करके थोड़ा शांति लो, और रात को सोते समय कैसे सोओगे पता है? ये पंच भौतिक शरीर मरने वाला है, पांच भूतों का है। मन बुद्धि और अहंकार बदलने वाला है, वो भी पंच भूतों का है। ये अष्टधा प्रकृति है। बिस्तर पर पड़े रहो, रात को सोते समय नींद में तो अज्ञान रहता है, ना समझी रहती ना खबर रहती, लेकिन उस नींद को योग निद्रा बना लो। सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो प्रसन्नता और ज्ञान और बरकत रहेगी। जब सो तब पंचभौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार माया का है, वो उसी में पड़े रहे। माया का शरीर माया के बिस्तर पे पड़ा रहे, लेकिन आत्मा परमात्मा का है, मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम। ऐसे करते करते तुमको नींद आ जाएगी और वो नींद योग निद्रा होगी, और फिर सुबह उठ के 4-5 बजे मेरे पास आना। ऐसी योग निद्रा में सोओगे तो थोड़े ही दिनों में तुमको मैं सोना बनाने की कुंजी दे दूंगा। राजा ने शुरू कर दिया, अच्छी नींद आने लगी। आदमी चिंता लेकर सोता है ना तो सुबह उठता है ना तो चिंता लेके उठता है। लास्ट इंप्रेशन विल बी फर्स्ट इंप्रेशन। तो रात को तुम कभी भी मैं थका हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ करके ऐसा गिरना नहीं। थकान है तो शरीर को है, मुसीबत है तो मन की कल्पना है। मैं तो भगवान में हूँ, भगवान मेरे हैं, संसार स्वप्न
प्रभु अपना जो होगा देखा जाएगा। ओम ओम प्रभु जी ओम हरि ओम 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 प्यारे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम अपना कमरा पवित्र करो पावरफुल करो हरि ओम ओम रक्त पवित्र करो मन पवित्र करो भगवतमय कमरे को बना दो ओम 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 गोचंदन अगरबत्ती अथवा गाय के गोबर के कंडे का धूप कभी कभी कर लिया करो कमरे की ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी हरि ओम 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 आनंद ओम माधो ओम ओम अपने सोने की जगह को भगवत नाम और प्रसन्नता से भर लो फायदा होगा कि नहीं होगा रात भर वही श्वासोश्वास में तुम्हारा अचेतन मन आत्मा परमात्मा के निकट विश्राम करेगा तुम कमरे में सोओगे ना तो कमरे में से उठोगे रसोई घर में से नहीं उठोगे और हॉल में सोओगे तो कमरे से नहीं उठोगे हॉल में ही से उठोगे तो रात को तुम पंचभौतिक शरीर में सोओगे तो वहीं से उठोगे चिंता में सोओगे तो वहीं से उठोगे अहम में सोओगे मैं ऐसा हूँ मैं यूं यूं तो अहम से उठोगे लेकिन तुम भगवान में सोओगे तो सुबह कहाँ से उठोगे भगवान से भगवान शांत रूप है आनंद रूप है भगवान सब कुछ जानते हैं सब कुछ कर सकते हैं और हमारे परम हितेशी हैं भले हमको सुधारने के लिए विघ्न बाधा कष्ट दे छोटी मोटी योनियों में डाले लेकिन हमारा विकास ही चाहते वो इसी का नाम भगवान है जो भगवान है भमाना भरण पोषण करने की सत्ता देते गमाना गमना गमन की सत्ता देते वमाना वाणी उन्हीं की सत्ता से स्फुरित होती है न माना ये सब न होने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते वे मेरे भगवान आत्मदेव है ये आपका मंदिर में तीर्थों में जाने से भी हजार गुना ज़्यादा पुण्यदायी हो जाएगा मंदिर के भगवान को देखने के लिए वैंकुट के भगवान के पास जाने के लिए सोचने के लिए अंतर्यामी भगवान चाहिए अगर वो अंतर्यामी भगवान नहीं तो मंदिर के भगवान को कहाँ से देखोगे मैं एक सवाल पूछता हूँ जवाब देना किसी आदमी के घर में परंपरा से पारस पड़ा है लेकिन वो बेवकूफ़ी से जानते नहीं पारस उसको सील बट्टा बना दिया है चटनी घोटते रहते अब वो आदमी पारस खोजते खोजते दुनिया सारी छान मारे उसको पारस मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों कि घर में पारस है उसको तो सिलबट्टा मान बैठा है तो सचमुच में पारस भी मिलेगा तो वो तो सिलबट्टे जैसे ही पत्थर लगेगा ऐसे ही घर में ही परमात्मा देव है उसको तो मानता नहीं उधर जाओ उधर जा जा के थक जाते मर जाते भगवान की अनुभूति नहीं होती संत कृपा कर दे तो बता दे कि चटनी रगड़ने वाला पत्थर नहीं है पारस है ऐसे आँखों को सत्ता देने वाला मन के विचारों को जानने वाला बुद्धि के निर्णय की बदलाव जानने वाला वो साक्षी आत्मा पारसों के बाप का बाप है ऐसा सतगुरु ज्ञान दे रहे थे किसको राजा तेज बहादुर को राजा को तसल्ली हुई ऐसा करते करते राजा का इंद्रियां मन में लीन हुई मन बुद्धि में बुद्धि बुद्धि दाता में आनंद शांति कुछ दिन बीत गए राजा को पूछा कि तुम तो सोना बनाना सीखने के लिए आए थे अभी बात क्यों नहीं करते बोले महाराज वो बुद्धि बचकानी बुद्धि थी जैसे बच्चों की बुद्धि होती ना तो उनके आगे हीरा रख दो सोने की लकड़ी रख दो जवाहरात रख दो बिस्कुट रख दो लॉलीपॉप खिलौना रख दो तो खिलौना और बिस्कुट पकड़ेंगे हीरे छोड़ देंगे ऐसी मेरी दुर्मति थी अब मैंने असली सोना बनाने की कुंजी जान ली जो है वो भी छोड़ के मरूंगा तो ज़्यादा क्या चाहिए अब महाराज मुझे पता चल गया कि आप ये सब चीज़ों को तुच्छ मानते अंतरात्मा का आनंद आपने पा लिया आप मुक्त आत्मा है आप महात्मा है मैं आपको कंगाल मान रहा था हकीकत में कंगाल तो हम हैं हे रानी तू सुख दे हे वाह वाही तू सुख दे हे हाड़ मास के शरीर तू सुख दे
हे नाक तू सुख दे परफ्यूम से ये इसका उपयोग करो लेकिन सुख तो तुम्हारा हे शराब तू सुख दे शराब में सुख होता तो बोतलें ना छूटती सुख तो तुम्हारा है महत्व शराब को देते हो। एक आदमी गया शराब की दुकान पर बोले 10 पैसे का जरा हाथ में दारू रख दे बोले 10 पैसे का दारू काय को 10 पैसे खून करते हो इतने बड़े दबंग आदमी 10 पैसे का दारू इतने मुच्छड़ो अरे बोले उसी लिए तो 10 पैसे का लेता हूँ मुच्छों को लगा जाऊँगा शराबियों के पास जाऊँगा उनको बोलूँगा मैं पिया हूँ नशा तो अपना होता है ये कम वक्त हाल खोल के मजा देगा मजा तो हमारा अपना होता है नहीं तो बोतलें मजे से नाच उठे। मेरे पास कई लोग आते थे बापूजी मेरे बेटे की शादी हो गई बड़ी अच्छी पार्टी मिली खूब है अब आशीर्वाद दो इनको मेरी बहू और बेटा कश्मीर जाएंगे हनीमून करने को। ये सोचा कि अरे कश्मीर जब करोड़पति की कन्या मिली है 50 लाख का दहेज मिला है सुविधा है फिर इससे भी ज़्यादा कहीं सुख लेने तेरे पास आते तेरे में कहाँ कहाँ सुख है मैं आता हूँ तो मैं हरिद्वार जाता हूँ। तो मैंने एक इंजीनियर था एयरपोर्ट का हवाई जहाज की कम इसमें मैंने कहा अपन कश्मीर चलेंगे चुपचाप 1.5 दिन हम कश्मीर में घूमे जहाँ जहाँ सुख की जगहें थी वो सब छान मारी 7 स्प्रिंग फूलों की घाटी डल लेक ये वो सब। फिर आखिरी में जो डल लेक है वहाँ हाउस बोट होते 10,000 एक रात का रहने का 15,000 20,000 हमने देखा मैं क्या पानी कहाँ से आता है तो मेरे को ले गए बोट हाउस के छत पे बोले नौकर आएगा हैंडपम्प चलाएगा टंकी भर जाएगी मतलब तालाब का ही पानी आएगा बोले हाँ फिल्टर लगा है छन के आएगा अटैच लेटरिन बाथरूम है बोले दिखाया मैं समझ गया अटैच लेटरिन बाथरूम का मसाला इधर जाएगा और उधर से पानी उठेगा। हाय राम 10,000 देकर भी यही पानी पीना है और यहाँ सुख ढूंढना है। फिर शिकारो नाम की छोटी नाव होती है कपल बैठता उसमें एक मैं था और मेरा इंजीनियर था हम बैठे उसने नाव चलाई सजी धजी और नाव वाले ने मेरे आगे हाथ जोड़े के बाबा देखो मेरे हाथ में लिखा है मैं कभी बम्बई जा सकता हूँ क्या मुझे बम्बई देखने को मिलेगा। मैं क्या धरते रहेगी बम्बई वाले यहाँ जख मार रहे हैं और तू बम्बई देखने के लिए हाथ दिखा रहा है ये मनुष्य की बड़ी कमजोरी है जहाँ सुखरूप आत्मा परमात्मा आनंद है उधर के लिए उसको तो सिलबट्टा मानते इधर जाऊं तो सुखी हूं इधर जाऊं तो सुखी हूं इधर जाऊं तो सुखी हूं भटक भटक के बेचारा आखिर कहीं का नहीं रहता है। ये बात बिल्कुल घटित घटना है सत्य बात है। तो एक तो ये निकाल दो कि कुछ पाऊंगा तभी सुखी होऊंगा कहीं जाऊंगा तभी सुखी होऊंगा ऐसा होगा तभी सुखी होऊंगा। अरे अब भी सुख स्वरूप मेरा परमात्मा देव है ओम आनंद ओम शांति कुछ तरकीब सीख लो और गोता मारो। तो राजा ने तरकीब सीख ली और परमात्मा रस में गोता मारने की कला सीख ली। मैं चाहता हूँ कि तुमको एक तरकीब सिखाता हूँ। क्या तरकीब है? एक तो कोई भी दुख सुख आए तो उसको सच्चा ना मानो आया है जाएगा। सच्चा क्या होता है? जो सदा रहे। असत क्या होता है? जो कभी ना हो। मिथ्या कहाँ होता है? कि पहले नहीं था बाद में नहीं रहे बीच में दिखे ये 2 दिन पहले नहीं था 2 दिन के बाद ऐसा नहीं रहेगा तो ये मिथ्या है। खरगोश के सिंग ले आना मनुष्य के सिंग ले आओ तो दुकानदार ऐसा नहीं कहेगा कि माल खत्म हो गया बाद में आएगा पहले भी नहीं थे अभी भी नहीं है बाद में भी नहीं रहे उसको असत बोलते हैं। सत उसको बोलते हैं जो पहले था अभी है बाद में रहेगा। तो तुम पहले थे शरीर के जन्म के पहले तुम थे बचपन में तुम थे बचपन चला गया दुख के समय भी तुम थे सुख के समय भी तुम थे अभी भी तुम हो और शरीर बूढ़ा होगा तभी तुम रहोगे शरीर मर जाएगा तभी भी तुम रहोगे। तो तुम हो सत
शरीर है मिथ्या, शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। ये गजरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी इसकी सुगंध, इसका जलियंश नहीं के तरफ जा रहा है। तुम सत्संग में आए थे सुबह, उस समय जो तुम्हारी उम्र थी उसमें से कई 5-7 घंटे कम हो गए। अभी जो तुम्हारी उम्र है जाते जाते 1-2 घंटे कम हो जाएगी। तो नित्य नहीं के तरफ जा रहा है वो शरीर मैं नहीं हूँ, नित्य है वो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो दुख भी आके चला जाता है, सुख भी आके चला जाता है, उसको जानने वाला जो है वो नित्य है। ओम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला परमात्मा तू मेरा अपना है। इस प्रकार का ज्ञान मिलने से बड़ा बड़ा दुख भी आपको दुखी नहीं करेगा। मथुरा नाम सुना है, बिंद्रावन मथुरा? तो मथुरा से बिंद्रावन फियाट गाड़ियां थी पहले, एम्बेसडर और फियाट, फास्ट फियाट जा रही और सामने से टैंकर आया मथुरा में, पेट्रोल और डीजल का फिल्टर प्लांट है गवर्नमेंट का, कई टैंकर भरने आते हैं। धड़ाक से टैंकर ने फियाट गाड़ी में बैठे हुए दो बच्चों को, उसके पिता को, ड्राइवर को वहीं कुचल दिया। पीछे बैठी हुई बाई और उसके गोद में एक पड़ोस की गरीब माई मर गई थी, तो उसकी गोद का बच्चा उसने अपने ले रखा। बाई को भी पीछे ऐसे धक्के लगे एक्सीडेंट का प्रभाव के 3 फ्रैक्चर हो गए कमर में। आगरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और साल भर आगरा हॉस्पिटल में वो माई रही। पति की लाश, 2 बेटों की लाश, ड्राइवर की लाश वो देख रही है। और उस लाश के समय उसने जो कुछ उनको शमशान में ले जाना ये सारी कहकर व्यवस्था करवाई और खुद एडमिट होने के लिए आगरा, आगरा नाम भी सुना है तुमने, आगरा हॉस्पिटल में भर्ती हुई। उसके रिश्तेदार सुनकर दौड़े दौड़े उसके पास आए, रोते रोते आते थे और हंसते हंसते जाते थे। वो भाई बोलती कि आप दुखी क्यों हो रहे हो? बोले तुम्हारे साथ जुल्म हो गया। बोले मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ, बेटे मर गए, पति मर गए, उनको देखकर अगर मेरे को सत्संग नहीं होता तो जुल्म होता और मैं सिर पछाड़ के पागल हो जाती, मर जाती और हम प्रेतों के भटकते। मैंने बेटों को कहा कि बेटे तुम थोड़ी मरे हो, मरा है तो तुम्हारा शरीर, वो तो देर सवेर मरने वाला था। पतिदेव आप भी अमर आत्मा हो और ड्राइवर बेटे कर्म करते करते तू भगवान के धाम में जा, तेरी सदगति हो। तुलसी के पत्ते मंगवा के उनके मुंह में रख दिए, तुलसी की सूखी लकड़ियां मंगवा कर उनकी चिता पर रखवा दी ताकि उनकी दुर्गति ना हो। कोई भी आदमी मरता है और कुछ भी ना दो तो तुम्हारे घर की सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां उससे उसका अग्नि संस्कार करवाओ, उसकी दुर्गति से रक्षा होगी। मैंने अपने 2 बेटों की, पति की, ड्राइवर की रक्षा कर दी और अब मैं, इतने दिन बीत गए बाकी थोड़े दिन है। ऐसे करते करते वो बाई का 1 साल तक बेड रेस्ट था। जब 1 साल में 2-3 दिन बाकी रहे तो उसका अमेरिका का मौसी का लड़का रोता हुआ आया। बोले तुम क्यों रोते हो? बोले ऐसा हो गया, मुझे भी ये नहीं मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, प्रॉब्लम था, सॉरी, माफ करना। अरे बोले फिर रोने की जरूरत क्या है? बोले तुम्हारे साथ इतना जुल्म हो गया। बोले कोई जुल्म नहीं हुआ, साल भर जो आए रोते वो हंसते गए, अब तू काहे को रोएगा? कल परसों तो मुझे छुट्टी मिलने वाली है और समय बीत गया, मैं दुखी हूँ। ये बेवकूफ़ी भरती तो मैं दुखी होती, मैं विधवा हूँ तो मैं दुखी होती, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, आत्मा अमर है और परमात्मा का अविनाशी अंग है, आत्मा को तो परमात्मा भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, इसमें रोने की क्या जरूरत है? तू तो अमेरिका पढ़ के लिख के कमा के आया। बोले वहाँ तो ऐसा नॉलेज नहीं है, ये तो तुम इतने दुख में भी सुखी हो। अरे दुख है ही नहीं, बेवकूफ़ी के बिना दुख है ही नहीं। ईश्वर की लीला में जो अड़ जाता है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए वही परेशान होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा, ये नियम प्रभु का है। वाह वाह प्रभु वाह।
सुन, एक मंत्री था, उसने सत्संग सुना और बाबा जी बताते कि हर हाल में बोलो वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। मंत्री की आदत पड़ गई। मंत्री राजा का बड़ा प्यारा था। राजा को किसी ने तलवार भेंट दी और चमचमाती तलवार निकाली। राजा तलवार की धार देख रहा था, उसमें से कबूतर ही गया तो राजा झुका तो उंगली पर दबाव आया तो उंगली का आगे का चिप्स कट गया। मंत्री हंस पड़ा, वाह अच्छा हुआ भला हुआ। राजा गुस्सा है, मंत्री के बच्चे उंगली कट गई बोलता अच्छा हुआ भला हुआ। बोले हाँ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं ना राजा, अच्छा हुआ भला हुआ। इसको जेल में डाल दो, कागजात तो बनेगा ना, फाइल तो बनेगी। पूछने आए कि इसको साधारण अपराधी के जेल में डाले कि क्लास वन में डाले कि सेकंड में डाले कि थर्ड क्लास में। अरे बोले कहीं भी धकेल दो। कैसा, जेल में जा रहा है? बोले अच्छा हुआ भला हुआ। हाँ दो गई, जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ भला हुआ। कुछ दिन के बाद डॉक्टरों ने वो टुकड़ा तो कट गया, बाकी का कुछ मलहम पट्टी करके ठीक कर दिया। राजा शिकार करने गया और काला मृग कभी कभी मिलता है, काला हिरण, उसको देखकर राजा उसके पीछे पड़ा। राजा को तो शिकार था करना, हिरण को तो जान बचानी थी। कोई अकेले कितने भी दौड़ो इतनी शक्ति नहीं निकलेगी, कोई पिस्तौल लेके तुम्हारे पीछे पड़ता है तो कहाँ से शक्ति आती दौड़ने की। तो हिरण को तो शक्ति आई इधर से इधर इधर, वो तो यूं हो गया और राजा यूं दौड़ते दौड़ते दूसरे के जंगल में चला गया, दूसरे राज्य के। और वहाँ जंगली लोगों को यज्ञ करना था और कोई आदमी की बलि देनी थी। राजा को पकड़ा और नला धुला के जो बलि देना, तो उनके यज्ञकर्ता ने कहा कि देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है? बोले हाँ, उंगली कटी हुई है। बोले खंडित हो जाएगा, छोड़ो। थप्पड़ मार के छोड़ दिया। राजा को वाक अच्छा हुआ भला हुआ, अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज ये नारियल हवन में डाल देते। मंत्री ने जो कहा अच्छा कहा भला कहा, अच्छा हुआ भला हुआ। राज्य में आए, मंत्री को इज्जत बुलाया, मंत्री मेरी उंगली कटी, अब मुझे पता चला कि अच्छा हुआ भला हुआ, सारी बात सुनाई। लेकिन तू जब जेल में जा रहा था तो तू खुश था, अच्छा हुआ भला हुआ, भगवान जो करते अच्छे भले के लिए करते। तेरे जैसे इज्जत वाले आदमी जेल में गए? अरे बोले महाराज, मैं जेल में गया एकांत मिली, ध्यान भजन हुआ, नहीं तो मैं तो आपका छाया पुरुष था, प्यारा मंत्री था। आप हम दोनों जंगल में जाते, आप मृग के पीछे पड़े तो मैं भी साथ में चलता, तो आप तो उंगली कटी हुई छूट जाते और मेरा नारियल बदेड़ देते, अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जिस समय जो करते वो पता चले चाहे न चले, लेकिन होता अच्छा है भला है बढ़िया है। हम बच्चे थे, माँ हमको जबरदस्ती नहलाती थी, आपको हमको सबको पिताजी जबरदस्ती सूझ करते थे, उस समय बुरा लगता था, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। तो अभी सत्संग सुनने की जगह पे तो पहुंच गए, नहीं तो ठोंठ होते मनमानी करते, तो अच्छा हुआ भला हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, ये नियम प्रभु तेरा है। वाह 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 वाह, ऐसा सीखने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है।